तो आज की क्लास में हम देखेंगे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के सिस्टम। तो ये कहता है कि हमारे जो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग सिस्टम होती है, सिस्टम को हम बोलते हैं इसमें पद्धतियाँ, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है, देखो ये हमारी दो प्रकार की होती है, पहला है हमारा ड्रम वाइंडिंग, दूसरा होता है हमारा रिंग वाइंडिंग। अब दो प्रकार की तो होती है, देखो ये हमने ड्रम वाला दिखा रखा है जो सिलेंडर के आकार का है, इसको बेलनाकार भी बोल सकते हैं हम और ड्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, रिंग वाइंडिंग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आता है एग्जाम में, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिंग वाइंडिंग होती है, रिंग वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा नाम तो इसको बोलते हैं हम ग्रामे वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, ग्रामे वाइंडिंग। अब यहाँ पर कैंडिडेट क्या करते हैं, देखो ग्रामे वाइंडिंग जब क्वेश्चन का आंसर होता है तो सब लोग ड्रम में क्या करते हैं, ठीक लगा देते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाता है वहाँ पर, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका कि रिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रामे वाइंडिंग। क्या होता है, ग्रामे वाइंडिंग बोलते हैं हम रिंग वाइंडिंग को। देखिए हम पहले बात करते हैं यहाँ पर ड्रम वाइंडिंग की, इसके बाद करेंगे हम रिंग वाइंडिंग की, और रिंग वाइंडिंग को हम किसके नाम से जानते हैं यहाँ पर, ग्रामे वाइंडिंग के नाम से। क्लियर हो गया, ये हमारी जो है ड्रम वाइंडिंग है। अब ड्रम वाइंडिंग में क्या होती है, देखो इस प्रकार बेलनाकार हमारी शाफ्ट बनी होती है, और इसी शाफ्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कोरों को कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर भी हमने क्या बना रखा है, ये जो वाइंडिंग है हमारी कौन सी, यहाँ पर ये ड्रम वाइंडिंग है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये आर्मेचर बना रखे हैं, यानी कि कोर बना रखे हैं, ये किसके आकार के हैं, बेलनाकार ड्रम के आकार के हैं, जिसको हम सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, जो ड्रम वाइंडिंग होती है यहाँ पर देखो, ये एक होता है हमारा शटल्ड आर्मेचर। क्या होता है, शटल्ड आर्मेचर। तो ये एग्जाम में देखने को आपको इस प्रकार का जब चित्र दिखेगा तो इस चित्र का नाम होता है शटल आर्मेचर। क्या होता है, शटल आर्मेचर। और ये हमारा सिंपल कौन सा है, बेलनाकार आर्मेचर है। क्लियर हो गया। अब शटल आर्मेचर की पहचान क्या होती है, देखो जो हमारे शटल आर्मेचर होता है इसमें इस प्रकार के दो स्लॉट बने होते हैं, एक इसके इस साइड बना होगा, एक इसके बैक साइड बना होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा शटल आर्मेचर होता है उसमें कितने स्लॉट कटे होते हैं, दो कटे होते हैं। अब देखिए हम देखेंगे इस बेलनाकार रोटर का फायदा क्या है और इसका फायदा क्या है। अब इसमें क्या होता है, देखो वाइंडिंग करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। और दूसरा क्या है इसमें, इसका जो हम बाहर से इंसुलेशन लगाते हैं वो भी लगाना क्या होता है, आसान होता है। और तीसरा क्या है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, बहुत संतोषजनक होता है, यानी कि अच्छा होता है। अब जब हमें इसमें वाइंडिंग करनी होती है तो वाइंडिंग को हम क्या कर सकते हैं, देखो छल्ले के रूप में बना के भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि स्लॉट इसके क्या रहते हैं, हमारे सेमी ओपन रहते हैं, यानी कि अर्ध क्लोज रहते हैं। अगर हम क्या करेंगे, देखो इसमें फटाफट वाइंडिंगों को करेंगे, छल्ले बना के भी डाल सकते हैं, जिससे हमारी वाइंडिंग क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। अब उसी प्रकार इसमें भी ऐसे कर सकते हैं हम, हमें क्या है कि एक एक करके टर्न को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कॉयल को बना सकते हैं, अपने हाथ में बना सकते हैं, अपने साँचों में तैयार कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको इसमें फिट कर देंगे। क्लियर हो गया, जिससे हमारी वाइंडिंग क्या होती है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, देखो पहला कि बेलनाकार रोटर क्या होता है, यानी कि ड्रम रोटर क्या होता है, फ़ायदे क्या होते हैं इसके, वाइंडिंग करना आसान होता है, दूसरा कार्य संतोषजनक होता है, और इंसुलेशन करना क्या होता है इसमें, बहुत आसान होता है। और तीसरा फायदा इसका नाम, देखो हमने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना था कि इस प्रकार का अगर हमको रोटर दिखा दे जिसमें स्लॉट कटे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, शटल्ड आर्मेचर। क्या बोलेंगे, शटल्ड आर्मेचर। तो कहीं पर इसको शटल्ड भी लिखा रहता है और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, शटल। तो जहाँ पर भी शटल होगा या शटल्ड होगा उसको हम इस प्रकार के उसमें क्या होते हैं, दो स्लॉट कटे होते हैं। क्लियर हो गया। और ये हमारा क्या है, पूरा बेलनाकार आर्मेचर है। ड्रम वाइंडिंग के सारे क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम दूसरा इसका, रिंग वाइंडिंग। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है कि रिंग वाइंडिंग को अदर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं हम इसको, ग्रामे वाइंडिंग के नाम से, ठीक है। अब बेलनाकार में देखो जो हमने कोर बना रखी थी वो बेलन के आकार की थी, किसके आकार की थी, हमारी कोर बेलन के आकार की। यहाँ भी देखो क्या है, हमारी कोर बेलन के आकार है, मेन कोर के हिसाब से भी इसका आकार हम देते हैं। अब रिंग वाइंडिंग जो होती है, रिंग वाइंडिंग में क्या होगा, जो हमारे कोर का आकार होगा वो रिंग के आकार का होगा, यानी कि छल्ले के आकार का होगा। जैसे हम क्या पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं रिंग के आकार की, तो हमारे छल्ले भी आकार का क्या रहेगा, कोर रहेगा, जो हमने अंदर से इस प्रकार ये दिखा रखा है। कोर अंदर का है और बाहर से हमने क्या कर दी, इसमें वाइंडिंग कर दी है। अब जो वाइंडिंग हमने इसमें कर रखी है, देखो इस वाइंडिंग को करने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। अब देखिए रिंग वाइंडिंग में क्या होता है, जो रिंग वाइंडिंग टाइप की कोर होती है इसमें वाइंडिंग करना क्या होता है, बहुत कठिन
होता है, क्योंकि इसमें हम वाइंडिंग जब करते हैं तो उसमें एक वायर को हमको बार बार छल्ले के उसमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इसको वाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है पहली बात। और दूसरा बात क्या है, इसको जब हम रिवाइंडिंग करते हैं यानी कि मोटर हमारी किसी कंडीशन में जल जाती है उसके बाद उसको रिवाइंड करना भी क्या होता है, बहुत कठिन होता है। और देखो इसमें इंसुलेशन का लगाना भी बहुत टफ होता है, जैसे कि यहाँ पर हम इंसुलेशन पेपर क्या होते हैं आसानी से लगा देते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से, मगर इसमें क्या है इंसुलेशन लगाना बहुत कठिन होता है, जिसके कारण देखो इस वाइंडिंग का प्रचलन अब क्या हो चुका है पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग करना भी दिक्कत है और रिवाइंडिंग करना भी दिक्कत है। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर हमारा कि रिंग वाइंडिंग का प्रचलन अब क्या हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। और ये क्वेश्चन तो आपका बन ही सकता है कि रिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रामी वाइंडिंग। क्लियर हो गया इतना। अब जो इस पर हमने वाइंडिंग कर रखी है, इस वाइंडिंग का आकार पूछा जाता है किसी पेपर में कि जो हमारी ग्रामी वाइंडिंग होती है या रिंग वाइंडिंग होती है उसकी वाइंडिंग का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है हमारा वो स्प्रिंग के आकार का। देखो ये हमने स्प्रिंग दिखा रखी है, इस प्रकार की स्प्रिंग होती है ना जो एक कार्बन ब्रश के अंदर हमने प्रेशर के लिए लगा रखा है, तो स्प्रिंग क्या होता है एक छल्ले के रूप में होता है, क्या होता है छल्ले के रूप। तो स्प्रिंग जब बना है तो वाइंडिंग कैसी होगी हमारी यहाँ पर, ये स्प्रिंग के आकार की होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के सिस्टमों की बात करी है। तो जब भी सिस्टम की बात होती है तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ड्रम और रिंग, ठीक हो गया। और रिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रामी वाइंडिंग बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसके टाइप से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की हमारी वाइंडिंग होती है, और फिर क्या करेंगे हम वाइंडिंग को करके यहाँ पर देखेंगे कि वाइंडिंग को कौन सी करनी है, ठीक है।